सोलन में निजी स्कूल एडमिशन के नाम पर अब बिल्डिंग फंड और अन्य किसी भी तरह के फंड नहीं ले पाएंगे। इसके लिए स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अब किसी भी तरह से निजी स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई स्कूल फिर भी शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उस पर विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सोलन में निजी स्कूल एडमिशन के नाम पर अब बिल्डिंग फंड और अन्य किसी भी तरह के फंड नहीं ले पाएंगे। इसके लिए स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अब किसी भी तरह से निजी स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई स्कूल फिर भी शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उस पर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उच्च शिक्षा उपनिदेशक योगेंद्र मखैक ने बताया कि स्कूल एडमिशन के नाम पर कई तरह के फंड की डिमांड कर परिजनों से पैसे ऐंठने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी तरह का फंड अभिभावकों से नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा उन्हें फीस में बढ़ोतरी करनी है तो वे 3 से लेकर 10% तक ही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें अभिभावकों की कमेटी से सहमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी स्कूल सरकारी आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसकी मान्यता विभाग द्वारा रद्द कर दी जाएगी और उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। इस बार एज पर द डायरेक्शंस जो हमें हिदायतें मिली हैं उप शिक्षा निदेशक उच्चतर की तरफ से, उन्होंने हमें दिया है कि तमाम जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने नोटिस बोर्ड पर अपने फी स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करेंगे। अगर कुछ बढ़ोतरी भी है 3 से लेकर के 10% तक अगर इंक्रीज भी है तो उसके लिए पहले वो SMCs के साथ बैठक करेंगे, उसमें तय होगा और जो भी फी स्ट्रक्चर है स्कूल का उसको डिस्प्ले करेंगे ये सारे स्कूल्स अपने नोटिस बोर्ड पर। और साथ ही साथ ये भी हिदायत है कि कोई बिल्डिंग फंड या स्कूल डेवलपमेंट फंड इस तरह करके कोई भी फंड जो है बच्चों से वसूला नहीं जाएगा। जो भी ये इंस्ट्रक्शंस अभी इशू किए हैं हमने तमाम स्कूलों में सर्कुलेट करवा दी हुई है, ये तमाम जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं। अगर कोई इनको फॉलो नहीं करेगा तो उनकी जो NOC हमारे विभाग की तरफ से उनको मिली है वो वापस ले ली जाएगी, वो उन्हें फिर दिक्कत में आएंगे। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।